हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छे नाश्ते की रेसिपी लेके आए हैं। इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं 15 डेज 1 मंथ। ये एज इट इज ऐसे ही आपको 1 मंथ के बाद भी टेस्टी लगेंगे। हाँ फ्रेंड, ये बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट स्टफिंग के साथ बनाए हुए समोसे हैं। ये ड्राई है और इसके अंदर जो स्टफिंग की है वो हमने ड्राई फ्रूट्स की है। आपने अब तक बहुत समोसे खाए होंगे पर ये बहुत अलग है। इसको बनाने के लिए हमने एक बर्तन के अंदर 1 चम्मच ऑयल लिया है। वो हल्का सा गर्म होने के बाद हम उसके अंदर 2 टेबलस्पून हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे और 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट डाल देंगे। दोनों पेस्ट आप मिक्स करके भी कर सकते हैं, जैसे 6 से 8 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक और इसकी आप पेस्ट बना लीजिए। वो पेस्ट भी आप इस ऑयल में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसे हल्का सा हम भुनेंगे, जिसके कारण जो हमारी पेस्ट रहती है उसके अंदर जो पानी की मात्रा रहती है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद उसके अंदर हमने 1/3 कप बेसन डाला है। बेसन, हरी मिर्च और अदरक, इन तीनों को हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तब इसके अंदर हम 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, जो हमने कोकोनट को मिक्सी के जार के अंदर डाल के थोड़ा सा स्मूथली पाउडर बना लिया है और उसका यूज़ किया है हमने इसके अंदर, वो अब हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं। ये 1/2 कप है। अब इन दोनों चीज़ों को हम 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से सेक लेंगे। हमें एकदम धीमी आंच पे ही इसको सेकना है, जिससे बेसन बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए और हमारा कोकोनट भी जले नहीं, वो उसका भी जैसे फ्लेवर बहुत अच्छा रहे। इसलिए दोनों को मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट स्लो गैस पे अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से एकदम रोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3/4 कप काजू का पाउडर डालेंगे। जो मैंने काजू को दरदरा पीसा है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब एक बार तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम इसमें ड्राई मसाले करेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब सारे मसाले को हम इसके साथ बेसन और काजू के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके अंदर हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है, जो मैंने 1/2 कप ली है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून शक्कर डालेंगे। आप शक्कर डाल सकते हो, शक्कर का पाउडर डाल सकते हो। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है पूरी चीज़ें अच्छे से। अब हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे, जो हमारे मसाले को अच्छे से बाइंडिंग दे। पानी हमें जस्ट मिक्स करने जितना ही डालना है। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसे हम ठंडा होने देंगे और हम इस मसाले के लिए समोसे का आटा गूंदेंगे। अब इस मसाले को एक साइड में रख के ठंडा होने देंगे और अब हम मैदे से एक आटा गूंद लेंगे समोसे का। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ये देखिए फ्रेंड, ये 3 टेबलस्पून ऑयल है वो मैंने डाल दिया है और इसका एक अच्छा सा आटा गूंद लेंगे हम। ये आटा गूंदने के लिए मैंने दूध का यूज़ किया है। इतना आटा गूंदने के लिए 1/2 कप जितना दूध लगता है उससे हम अच्छे से स्मूथ आटा गूंद लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एकदम स्मूथ आटा हो गया है। अब उसके अंदर 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल के उसे अच्छे से हम मसल लेंगे। के छोटे छोटे लोए बनाएंगे।
अब हम इसकी छोटी छोटी पूरी बेल लेंगे। इसकी जो हम पूरी बेलेंगे वो हमें पतली बेलना है, तो ही हमारे समोसे क्रिस्पी होंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम बीच में से एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हाफ पार्ट हम हाथ में ले लेंगे और जो स्ट्रेट वाला पार्ट है उसमें भी जो हाफ पार्ट में हम पानी लगाएंगे और उसे इस तरह से कोन बना लेंगे। कोन बनाने के बाद इसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग भरने के बाद ऊपर से हम इसे अच्छे से चिपका देंगे। हल्का सा पानी लगा के हम इसे स्टिक कर देंगे और नीचे का जो पॉइंट है उसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करके एकदम अच्छे से शेप में इसे हम, देखिए फ्रेंड अच्छे से इसका हम शेप में इसे करके रख देंगे, जैसे नीचे पॉइंट अच्छे से दिखे और खुले भी नहीं वैसे चिपका के। सेम अब हम जैसा दूसरे समोसे भी बना लेंगे। सारे समोसे बन जाने के बाद हम इसे एक प्लेट में, ट्रे में, आप इसे हाफ एन आवर तक ड्राई होने दीजिए, बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा पानी का हाथ लगा के ही इसे चिपकाइए, नहीं तो ये ऑयल के अंदर डालने के बाद खुल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे समोसे को अच्छे से 15-20 मिनट तक ड्राई होने दिया है, सूखने दिया है। अब हमने एक कढ़ाई में तेल रखा है गरम। गरम हो जाने के बाद हमने गैस की फ्लेम स्लो कर दी थी और अब हम इसके अंदर समोसे डाल रहे हैं। ये छोटे छोटे हैं तो एक टाइम में आप 6 से 8 समोसे फ्राई कर सकते हैं। और हमें तेल का हमारा जो टेम्परेचर है वो एकदम स्लो रखना है। आप सोचेंगे कि बहुत स्लो रखने पे समोसे फूट जाएंगे या तो बहुत ऑयली हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमने हमारे समोसे को 15 से 20 मिनट अच्छे से सूखने दिया है, बाद में हम फ्राई कर रहे हैं। और सुखाने के बाद हम अगर इसे फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं होते हैं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। और हमने इसकी जो ले हमने जिसका आटा गूंधा था तब भी हमने पानी की जगह दूध लिया है, इससे भी इसका जो ऊपरी परत है वो समोसे की जो लेयर है वो बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है आउटर लेयर, और ये बहुत दिनों तक एकदम अच्छे से रहते हैं ऐसे ही कड़क। इसके लिए हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है और हम तल रहे हैं तब भी हमने गैस की फ्लेम स्लो रखी है। अगर आप फास्ट गैस पे तलोगे तो वो करारे नहीं बनेंगे और अंदर से मैदा कच्चा रह जाएगा, तो वो आपके समोसे ज़्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। इसके लिए इसे धीमी आंच पे अच्छे से पलट पलट के अच्छे से तल लीजिए और थोड़े से लाल ज़्यादा ही करिए। ये देखिए फ्रेंड, हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं। इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ये समोसे बनाने के बाद इसे हाफ एन आवर तक ठंडे होने दीजिए, बाद में आप इसे कंटेनर में भर के रख सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। जब हम बाजार से समोसे कचौरी ड्राई लाते हैं तो उसका जो स्टफिंग है वो आपको सेम एक जैसा ही लगता है, पर ये जो हमने स्टफिंग बनाया है बहुत डिफरेंट और बहुत रिच है। तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी हमेशा पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू रेसिपी सीखने और देखने मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।